देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूँ आपके साथ प्रीति शर्मा। कांटापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरेल में 2 दिन पूर्व 12 वर्षीय किशोरी की लाश संदिग्ध हालत में मिली थी। पुलिस एवं ग्रामीण को आशंका थी कि किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के लोकेश पिता जगन्नाथ बारवाल को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। मामला 2 दिन पूर्व का है जहाँ किशोरी की लाश सुंदरेल के एक किसान के खेत में मिली थी। लाश संदिग्ध हालत में थी जिससे पुलिस एवं ग्रामीणों को आशंका थी कि किशोरी के साथ गलत कार कर हत्या की गई है। ग्रामीण जनों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम तक किया था। तभी एसपी अंशुमान सिंह एवं एसडीओपी शेर सिंह भूरिया ने लोगों को समझाइश देकर कहा था कि 24 घंटे में हम आरोपी को ढूंढ निकालेंगे। मामला बहुत तूल पकड़ रहा था एवं ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देखते हुए आईजी उज्जैन भी घटना स्थल पर पहुंचे थे एवं आरोपी की जानकारी देने वालों को 25,000 इनाम देने की भी घोषणा की थी। मामले में पुलिस को जानकारी लगी थी कि आरोपी लोकेश बारवाल उम्र 28 वर्ष नशे का आदी है एवं घटना से पूर्व लोकेश किशोरी का पीछा करते लोगों को नजर आया था। जब लोकेश को गिरफ्तार कर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो लोकेश ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने बताया कि लोकेश 3 नवंबर को सुबह से ही शराब पी रहा था, उसके ऊपर नशा हावी हो गया था। शराब के नशे में उसे शाम 5 बजे किशोरी आते हुए दिखी तो उसे देखकर उसका वशीपन जाग गया। गांव का ही व्यक्ति था और नतीजा का जहां से आना जाना था वहां उसी क्षेत्र में उसका बैठना भी था और खेत भी पास ही पास थे, एक ही दिशा में थे। इस कारण से उसको पहचानती थी गांव में। वैसे भी गांव में अक्सर हाजी एक दूसरे को बड़ी आसानी से जानता चल जाता था। घटना वाले दिन भी शाम को बच्ची को उसने जाते हुए देखा था। बच्ची से टोक के पूछा कि था कहाँ जा रही है, तो बच्ची ने बताया था खेत पर जाने की जानकारी थी। उस दिन आरोपी के कथन के अनुसार आरोपी के द्वारा शराब का सेवन भी किया गया, तो वो बच्ची के निकलने के बाद वो पीछे पीछे आरोपी भी गया। रास्ते में गांव की एक लड़के से उसने लिफ्ट ली और उसका खेत तो घटना स्थल से लगा ही हुआ है, खेत पे जाने का रास्ता थोड़ा सा आगे से है। वहाँ पर वो वहाँ से मोटरसाइकिल से उतर के पैदल पैदल अपने खेत पे गया। खेत पे भी इसने वहाँ पर जाके उसको अंदाज था कि बच्ची आएगी पगडंडी से किस मार्ग से आती है, उसके द्वारा उसका इंतज़ार किया गया। जब बच्ची आती दिखी तो उसने उसको आवाज़ देके कि कुछ काम है, घास का पुल्ला उठाना है, बच्ची को आवाज़ दी। एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तहत बच्ची रुकी, बच्ची इसके बुलाने पे गई तो ये अपने खेत से निकल के जो घटना स्थल है, जो मोदर का खेत है, ये वहाँ पे गया। वहाँ पर जाके बच्ची को रोक लिया और उसके हाथ से जो उसके थैली थी वो लेके नीचे रख दी। बच्ची को जब उसके हवा समझ में नहीं आई तो उसने इसका विरोध किया, उससे पूछने की कोशिश की, तो इसके द्वारा उसको जबरदस्ती ज़मीन पर पटक दिया गया था। और उसके साथ में गलत कार्य करने का जब प्रयास किया तो बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की थी, उसमें उसके द्वारा बच्ची का मुंह हाथ से दबा दिया। देवास खाते गांव से श्रवण पवार की रिपोर्ट। जहाँ एक और राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव में आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश निर्वाचन अधिकारियों को समय समय पर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन अधिकारियों पर आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने में कोई रुचि नहीं दिख रही है। ऐसा ही कुछ नजारा यूपी के जनपद कानपुर देहात के सिकंदरा नगर पंचायत क्षेत्र में देखने को मिला, जहाँ नगर पंचायत स्वागत बोर्ड में आज भी पूर्व चेयरमैन खुर्शीद की फोटो और नाम आचार संहिता के अनुपालन की आईना दिखा रही है। वहीं नगर पंचायत क्षेत्रों में प्रत्याशियों के लगे पोस्टर भी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं इस मामले में सिकंदरा एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही कर्मचारी को लगाकर पोस्टर और स्वागत बोर्ड से पूर्व चेयरमैन का पोस्टर हटाने की बात कही। सूचना हमें प्राप्त हुई है और तत्काल संज्ञान लिया गया नगर पंचायत वाले फोटो। लेकिन मैडम आचार संहिता को लगे 4-5-6 दिन हो गए लेकिन नगर पंचायत के द्वारा अभी भी इसका मतलब देखा नहीं गया, तो ये मतलब नगर पंचायत की मैडम जिला अधिकारी द्वारा आदेश किए गए हैं कहीं भी पोस्टर या उसका प्रयोग ना हो, लेकिन मैडम सिकंदरा नगर पंचायत में जगह जगह भी अभी भी पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टर लगातार हटवा दिए गए और उसकी सूचना भी ली जा रही है और यदि अभी भी ऐसा कहीं पे है तो उसे हम तत्काल। कानपुर देहात से रजा मोहम्मद की रिपोर्ट।
आष्टा ग्राम चुपड़िया में प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए सरपंच सचिव ने ग्राम के करीब 15 लोगों से सरपंच सचिव ने रिश्वत ली है। हमने जब ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि सरपंच हरि सिंह परिहार, सहायक सचिव जीवन सिंह ने सभी से प्रधानमंत्री आवास बनाने के नाम से किसी से 10 तो किसी से 8,000 की रिश्वत ली है। ग्रामीणों ने इस संबंध में जनपद पंचायत आष्टा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन सौंपा और कार्रवाई करने की बात कही। सर, अभी ग्राम चुपाड़िया के कुछ ग्रामीणों ने आके शिकायत करी है कि सरपंच और सचिव ने उनसे पैसे लिए हैं, कुटी समय पे नहीं मिल रही है, क्या मामला है बताइए। ग्राम पंचायत चुपाड़िया में 16 आवास का लक्ष्य था, 16 आवास वहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन जैसे लोग यहाँ पर आए थे उनसे उनके द्वारा ये बताया गया है कि सरपंच सचिव के द्वारा आवास देने के नाम पर उनसे पैसे लिए गए हैं। ज्ञापन हमने प्राप्त किया है, उसकी जाँच करके आगे कार्रवाई करेंगे। आष्टा से कैमरामैन यासीन खान के साथ शेख फैजान की रिपोर्ट। आष्टा नगर के अलीपुर रोड को लेकर आज संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चित धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। आज धरना स्थल पर प्रशासन को नींद से जगाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। लगातार तीसरे दिन भी अनिश्चित धरना प्रदर्शन जारी है, पर अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और कब अलीपुर वासियों की समस्या का समाधान होता है। आष्टा से कैमरामैन यासीन खान के साथ शेख फैजान की रिपोर्ट। आष्टा नगर के अलीपुर में स्थान बालक ग्राउंड में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता मंच के तत्वाधान में शानदार कवाली का महामुकाबला किया गया एवं अतिथियों का सम्मान भी किया गया। आष्टा से फैजान शेख की रिपोर्ट। आज हम पुरानी हो चुकी इमारत के बारे में बात कर रहे हैं, उसका भी अपना रोकदार समय रहा है। हम बात कर रहे हैं चंदेरी के पुराने थाने की। जब यह अपने शबाब पर थी तो असामाजिक लोग इसके सामने से निकलने से पहले सैकड़ों बार सोच लेते थे, लेकिन 25 से 30 वर्ष पहले थाना नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ तो पुराना थाना असामाजिक लोगों का अड्डा बन गया है। आज ये इमारत अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है, यह पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। शाम के समय जुआरी और शराबी एकत्रित होकर पुराने थाने की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा भी 5 वर्ष पहले इसको अनुपयोगी घोषित कर दिया है। अतः प्रशासन को शीघ्र इसको गिराकर आम जनता के रोजगार के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना चाहिए, जो सभी के लिए हितकर होगा। चंदेरी से सौरभ राहोरा की रिपोर्ट। कड़ोत कला के तत्वाधान में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें आसपास के 32 गांव की टीमों द्वारा भाग लिया गया। फाइनल मुकाबला गौरव कबड्डी क्लब नागदा और आजाद कबड्डी क्लब कड़ोत कला के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें हिंदू संस्कृति के अनुसार मुख्य अतिथियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया। कड़ोत कला से आदित्य ढाकड़ की रिपोर्ट। दलित सेवक समाज के स्थानीय SDM अत्यंत सिंह गुजर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु मांग की। ज्ञात हो कि देश और प्रदेश में हो रही गैंगरेप की घटना और हाल ही में घटित हुई मधुसूदन गढ़ के बारोद गांव की घटना, जिसे सुनकर किसी का भी दिल बहल जाए। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार और स्थानीय प्रशासन खामोश बैठा रहता है और ऐसी घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मधुसूदन गढ़ के बारोद गांव की उषा अहिरवार उम्र 17 वर्ष नाबालिग है, जिसके साथ ऐसी घटना घटी। आज भी गांव के दलित महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है। उन्हें ना मंदिर में जाने दिया जाता है और ना ही कुएं में से पानी भरने दिया जाता है और ना ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने दिया जाता है, और आए दिन ऐसी घटनाएं दलितों के साथ घटती रहती है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पुलिस प्रशासन को निर्देश दे कि आगे से किसी भी लड़की या महिला के साथ ऐसी घटना घटित ना हो और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। राघोगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट। हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में NSUI की एक तरफा जीत की खुशी में विधायक जयवर्धन सिंह ने सभी छात्राओं को बधाई दी। उक्त बैठक किले परिसर में संपन्न हुई, जहां NSUI के सभी जीते उपाध्यक्ष सचिव सचिव उपस्थित रहे। विधायक जयवर्धन सिंह ने पहले तो सभी को शानदार जीत की बधाई दी, उसके बाद महाविद्यालय में छात्रों को होने वाली अव्यवस्थाओं के बारे में पूछा। सभी छात्राओं ने विधायक जयवर्धन सिंह के समक्ष महाविद्यालय में होने वाली अव्यवस्थाओं से अवगत कराया और हर संभव मदद का भरोसा
दिलाया। यही नहीं, विधायक जयवर्धन सिंह ने छात्रों से कहा कि आप मुझसे मिलने कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं, मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा खड़ा हूँ। राघवगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट। कोलुआ पठार विजयपुर की एक बावड़ी में एक बेल गिर गया, जिसको एक टीम के सभी सदस्यों द्वारा उसको बावड़ी से बाहर निकाला गया। सदस्यों ने खुद की कोई फिक्र ना करते हुए उस बेजुबान को नई जिंदगी दी और इस बात की मिसाल भी दी कि कोई भी काम असंभव नहीं, और सभी सदस्यों ने तकरीबन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस बेल को कुएं से बाहर निकाला। राघोगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट। 8 नवंबर दोपहर 1 बजे करीब मंडल माचलपुर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में पोलखेड़ा चौराहे पर कमल हसन का पुतला दहन एवं विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। गौरतलब है कि कमल हसन हिंदू विरोधी बयान देकर विवादों में उलझ गए हैं, जिसका जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह पवार, महामंत्री हनुमान पाटीदार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राकेश मारू, अंतर सिंह चौहान, आशीष भंडारी, दिलीप सेन, गोविंद मेरौठा, संजय शर्मा, संदीप सोनी, प्रदीप बंसल, जमुना लाल पाटीदार, लक्ष्मण गुजर, सुनील मारू, विशाल गुजराती, गोर्धन गुजर, कमल सिंह सोनगरा, अरण्या आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। हिंदू संगठन के विरोधी बयान दिया और हिंदू संगठन को आतंकवादी संगठन, हमारे जो 14 संगठन है हिंदू से संबंधित जो 14 संगठन है उनके बारे में गलत जानकारी दी है और हिंदू को आतंकवाद से जोड़ा, उनका पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी संयुक्त कार्यकर्ता। माचलपुर से घनश्याम गुजर की रिपोर्ट। कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के डेरापुर रूरा मार्ग पर रामेश्वर निवासी चिलोली, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, इनकी बाइक में पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। परिजन उन्हें डेरापुर अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। मुरैना जिले के जनपद पंचायत केलारस की ग्राम पंचायत मामचुंद, पनिहारी, डुंगरावली, गुलहारी और बहरारा जागिन में मुरैना कलेक्टर भास्कर लक्षकार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुरैना सोनिया मीणा एवं जनपद पंचायत केलारस के अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ के आग्रह पर क्षेत्र की पानी की भीषण समस्या एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास के कार्य को प्रगति को देखने के लिए कलेक्टर भास्कर लक्षकार को आदिवासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना, जहां पर कुछ आदिवासियों के नाम गरीबी रेखा की सूची में नहीं थे। उन्हें जोड़ने के लिए तहसीलदार सर्विस यादव को मौके पर जाकर सभी छूटे हुए नामों को बीपीएल में जोड़ने का आदेश दिया एवं ग्राम पंचायत बहरारा जागीर के ग्राम नवलपुरा में आदिवासी महिलाओं ने शराब की दुकान गांव से हटाने का निवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय से किया, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल वहां उपस्थित अधिकारियों को एक जगह से शराब की दुकान हटाने का आदेश तत्काल दे दिया, जिससे वहां उपस्थित आदिवासी महिला एवं बच्चों में एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिली एवं जनपद अध्यक्ष सोनलाल धाकड़ के विशेष अनुरोध पर कलेक्टर मुरैना ने इस गांव में पानी की समस्या को देखते हुए जल्द ही नल जल योजना शुरू करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही दिए। छोटी समस्या सामने बार बार उभर करके आ रही है। एक तो ये है कि अवर्चा कार से जो चेक डैम स्टॉप डैम बनाया है, स्टॉप डैम में पानी नहीं है। दूसरा ये समस्या है कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर गांव वालों ने मांग करी कि तालाब बनाया जाए और स्टॉप डैम बनाया जाए, तो इन मांगों के स्वीकार करने में ये बहुत ही अच्छी मांग है गांव की तरफ से। मैंने संबंधित सरपंचों को निर्देशित किया है कि वो अपने गांव का तुरंत ही पर हम लोग नरेगा के माध्यम से करवा सकते हैं, तुरंत ही नरेगा के माध्यम से करवा सकते हैं। स्टॉक डैम की जो प्रस्ताव है वो हम शासन के लिए एक बड़ी राशि है। एक आदिवासी मजबूर में ये समस्या भी सामने देखी है कि जो हैंडपम्प था वो हैंडपम्प काफ़ी नीचे चला गया, जल स्तर नीचे चला गया है। वहाँ पर डीएचसी से बात करके या तो उसमें हम पाइप की लंबाई उसमें वृद्धि करवा देंगे अथवा अगर ट्यूबवेल की आवश्यकता है तो वहाँ पर ट्यूबवेल खाली करवा देंगे। जैसे कि आपने देखा गोलारी में ऑलरेडी 3 ट्यूबवेल अभी पिछले 10 दिन में ही खुले गए हैं, और इसके अलावा जो समस्या का जो किनारे क्षेत्र है वहाँ पर भी ट्यूबवेल। सूखे की अत्यंत भनक समस्या देखने को मिली तो कलेक्टर साहब ने मौके पर ही
जनता को ये आश्वासन दिया कि हम जो चेक डैम तालाब या पानी और पानी के लिए हैंडपम्प नए और जो इनमें बोर सूख गए हैं उनमें और गहराई कराएंगे और हम गरीबों के लिए नरेगा के तहत मजदूर यहीं खोलेंगे जहाँ से मजदूर पलायन न करें। केलारा से राजेंद्र सिंह धाकड़ की रिपोर्ट। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन 7 नवंबर को किया गया। प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कबड्डी, कुश्ती, कराटे, फुटबॉल आदि खेल खिलाए गए। वहीं नलखेड़ा की तरफ से पहली बार बालिकाओं की फुटबॉल की टीम खेली और जिन खिलाड़ियों ने जीत हासिल की उन्हें आगर जिले में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जाना है। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मुरलीधर पाटीदार और विशेष अतिथि के रूप में राधेश्याम पाटीदार, मुन्नालाल गवली, राजू जायसवाल, नितेश जी वल्लभ जी व खेल के प्रभारी ML विसावत रहे। आगर मालवा ब्यूरो राजेश शर्मा के साथ कैमरामैन प्रदीप चौबे की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के तलैन में मंगलवार क्षेत्र के अखिल भारतीय राठौर समाज ने देवास जिले के सुंदरेल ग्राम की घटना मासूम नाबालिग के साथ बलात्कार व हत्या के दोषी पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन टप्पा कार्यालय में लीडर रामचरण मालवी को दिया। ज्ञापन का वाचन पवन राठौर ने किया। देश में हो रहे बेटियों पर अत्याचार को खत्म किया जाए। वहीं समाज के युवाओं ने कहा कि दोषियों को सख्ती से सख्त सजा दी जाए। तलैन से मुकेश यादव के साथ राजगढ़ ब्यूरो रोहित राजपूत की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर के अशासकीय शिक्षण संस्थान शुभम कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में स्कूल की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर स्कूल प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा एवं सामूहिक गान, नृत्य व विभिन्न नाटकों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं के द्वारा देश के विभिन्न विशेषताओं, देश की राजनीति स्थिति, सामाजिक विशेषता एवं कृतियों पर नाटक का आयोजन भी किया गया। नसरुल्लागंज से रमाकांत मंसूरिया के साथ सलीम खान की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर के अशासकीय शिक्षा संस्थान देव माता हाई सेकेंडरी स्कूल राला में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी अतुल्य भारत का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि आचार्य विषय भोपाल डॉक्टर लियो कॉर्नेलियो SDM हरि सिंह चौधरी एवं BO PN पेठारी रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कला एवं विज्ञान के विभिन्न मॉडल जैसे आर्ट एवं क्राफ्ट, मिसाइल, विभिन्न विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, कंप्यूटर, कॉमर्स एवं खेल से संबंधित मॉडल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य द्वार इंडिया गेट और हैगिंग ब्रिज आकर्षण का केंद्र बना रहा। नसरुल्लागंज से रमाकांत मंसूरिया के साथ सलीम खान की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर एवं क्षेत्र के शासकीय स्कूल में परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति शाखा नसरुल्लागंज यूथ विंग द्वारा साध्वी संगीता बाई जी के मार्गदर्शन एवं मानव सेवा दल भोपाल मंडल प्रमुख भगवान सिंह पवार, सीताराम सोलंकी शाखा प्रधान, मुंशी दादा एवं अन्य वरिष्ठ प्रेमियों के सहयोग से शासकीय हाई स्कूल व माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शाला अमीरगंज विकास खंड नसरुल्लागंज में लगभग 235 बच्चों को लेखन सामग्री का वितरण मध्य प्रदेश बाल विकास संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती निर्मला जी बारेला, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष महेश जी पटेल की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नसरुल्लागंज से रमाकांत मंसूरिया के साथ सलीम खान की रिपोर्ट। आगर जिले में कांग्रेस द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की किसान एवं जन विरोधी नीतियों के विरोध में तथा आम जन व किसानों की समस्या तथा नोटबंदी को एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला ब्लॉक शहर कांग्रेस कमेटी आगर मालवा द्वारा मंगलवार को छावनी नगर चौराहे पर विधानसभा स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन किया। वहीं रैली निकाल कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का मुखिया बड़े बड़े भाषण और जुमलों से किसानों को छलने का प्रयास कर रहा है तो वहीं झूठी घोषणाएं की जा रही है कि उनका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा फसल का 50,000 नगद भुगतान की घोषणा की थी किंतु अभी तक पूरी नहीं हुई। भावांतर योजना भी किसानों के लिए छलावा है व उनके जन प्रतिनिधि भावांतर के नाम पर बड़े बड़े योजनाओं पर सरकार पैसा खर्च किया किंतु योजनाओं में भी कोई लाभ नहीं हुआ। धरना आंदोलन के पश्चात धरना स्थल से कांग्रेस जन रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाबूलाल यादव, पूर्व जनपद अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पालीवाल, पूर्व मंडी अध्यक्ष राजमल सोनी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगरमालवा से सोनू खान की रिपोर्ट।
हरदोई जिले में पिहानी कोतवाली में राइफल लोड कर रहे सिपाही की लापरवाही से चली गोली, चौकीदार रामू की मौत हो गई, जो कि पिहानी थाना क्षेत्र के छतैया का रहने वाला था। घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप समझ गया। एसपी विपिन कुमार मिश्र सहित आला अफसर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सिपाही ब्रजेश सोनी को हिरासत में लिया गया। चौकीदार रामू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अफसरों ने घटना की जांच शुरू कर दी। हरदोई के एसपी विपिन कुमार मिश्र फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच की जा रही है। एसपी ने बताया कि ड्यूटी बदलने के दौरान सिपाही ब्रजेश सोनी रात्रि गश्त पर रवानगी के लिए कोतवाली परिसर में राइफल लोड कर रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो कि वहां मौजूद चौकीदार रामू को जा लगी, जिससे रामू की मौत हो गई। गोली कैसे चली इसको लेकर जांच की जा रही है। इसमें ये एक रामू श्रीवास्तव चौकीदार है और वो थाने पर खड़े थे। शाम के ड्यूटी के लिए ब्रजेश कुमार सोनी ये मालखाने से राइफल निकाल कर जो है और बरामदे में खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे और साथ में अपनी राइफल भी जो है वो लोड कर रहे थे। उन्होंने उनका ये बताना है कि राइफल अचानक चली है और चलने के बाद से गोली खंभे से रिकोचिट होकर जो है वहीं उनके साथ बात कर रहे जो चौकीदार हैं उनके दाहिने कान के नीचे जो है लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों को भी सूचित किया गया है और अग्रेतर विधि कार्रवाई कराई जा रही है। सर, किस अभियोग में, किस धारा में मामला दर्ज होगा? अब जो भी उनसे तहरीर प्राप्त होती है धारा, उसमें भी करेंगे। आगे विवेचना का विषय है, जैसा भी विवेचना में साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने बिलग्राम व मलावा थाना में नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत के उम्मीदवार अध्यक्ष सभासद के साथ बैठकर निर्देश दिए कि सभी अध्यक्ष सभासद प्रत्याशी आचार संहिता का अक्षरश पालन करें। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित तय सीमा के अंदर वाहन प्रचार एवं रैली पर व्यय करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के द्वारा 6 लाख, सदस्य पद प्रत्याशी 1,50,000 तथा नगर पंचायत उपपद के उम्मीदवार 1,50,000 तथा सभासद प्रत्याशी 30,000 रुपए अपने चुनाव प्रचार में व्यय कर सकते हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के सवाईशपुर के बीजेपी विधायक माधवेंद्र सिंह रानू ने रूपापुर स्थित शुगर मिल पहुंचकर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ फीता काट कर किया, जिसके बाद मिल के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर श्री सिंह ने पूजा पाठ कर धर्मकांटा पर पहुंचकर गन्ने से लादे ट्रक की तोल कर पर्ची निकाली, जिसके बाद उन्होंने ड्राइवर को टीका कर और नारियल फोड़ कर ट्रक को मिल के अंदर एंट्री दी। विधायक माधवेंद्र सिंह ने बताया कि रूपापुर शुगर मिल क्षेत्र में गन्ना किसानों के हित में निरंतर काम कर रही मिल से जुड़े हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है और मिल के अधिकारियों की मेहनत और लगन की वजह से किसानों की आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। रूपापुर चीनी मिल का शुभारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ, चीनी मिल क्षेत्रीय किसानों की उम्मीद तक खरा उतरेगी। जो हमारे किसान हैं इनका जल्दी से जल्दी गन्ना लिया जाएगा और जो उचित मूल्य है गन्ना का मूल्य वो ये लोग देंगे, ऐसा मुझे भरोसा प्रबंधन पर। और इनका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा रहा, इसलिए मैं ये ज़्यादा ही भरोसा कर सकता हूँ। और क्षेत्रीय किसानों की तरफ से सवाईपुर विधानसभा के सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि रूपापुर चीनी मिल अच्छी तरीके से चले। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। लखनऊ रोड स्थित जयपुरिया कॉलेज में स्पोर्ट्स डे पर 2 दिवसीय आयोजन में ग्रुप 1 नर्सरी के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। नर्सरी के बच्चों के द्वारा अरेबिक ड्रिल, मीमांसा के द्वारा दौड़ बादल पर पांव जय हो लकड़ी की काठी आज प्रस्तुत की गई, जिसे सभी ने खूब सराहा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रिंसिपल विनोद तिवारी व हेमलता अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन करके किया। दूसरे दिन लंबी दौड़, लंबी कूद, आलू रेस, बांधा दौड़ आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन यशिता तिवारी ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अस्फिया ने किया। 10 नवंबर को वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये एनुअल स्पोर्ट्स डे है हमारा, जिसका नाम है एंथुसिया 2017। इसमें प्री प्राइमरी की जो सारे इवेंट्स थे वो 6 तारीख को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। 7 तारीख को बच्चों के हीट्स पूरे ऑर्गेनाइज किए गए और इन सबका फाइनल 10 तारीख को, 10 नवंबर को जो कि होना है। बच्चों ने जो है बहुत प्रैक्टिस किया, बच्चों ने जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके इनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हर बच्चा
एक यूनिक होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिभाएं छिपी हुई होती हैं, जिसको उजागर करना हर स्कूल का दायित्व है, और यही दायित्व को करते हुए एनुअल स्पोर्ट्स डे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि देखा सर, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी उत्साह से भाग ले रहे हैं, बहुत छोटे बच्चों के प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम भी अभी हमने देखे, तो क्या क्या प्रोग्राम है सर, कुछ खास प्रोग्राम? इसमें सारे ट्रैक एंड फील्ड्स इवेंट्स हैं जिसमें बच्चे सहभाग भाग ले रहे हैं। इसके अलावा 10 तारीख को मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें, आपके माध्यम से ये सब सब चीज़ें लोगों को पता चले, जिसमें कि कल्चरल आइटम्स भी हैं, ड्रिल्स हैं, फाइनल रेसेस होंगी, और इसमें जो है बच्चे अपना हुनर जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।